नमस्कार मित्रों, इस वीडियो में हम देखेंगे चुंबकों द्वारा मनोरंजन अर्थात फन विथ मैग्नेट्स। ये कक्षा छठी के लिए एक वीडियो है, तो आइए शुरू करते हैं। विषय सूची, टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम सीखेंगे चुंबकों की खूबियों के बारे में, फिर हम जानेंगे चुंबक की खोज किसने की, उसके बाद हम सीखेंगे चुंबक के क्या क्या स्रोत होते हैं एवं चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। उसके बाद हम चुंबक की उपयोगिता के बारे में जानेंगे कि वे किस प्रकार हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं, एवं फिर हम दो चुंबकों के बीच उत्पन्न होने वाले आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखेंगे। अंत में हम अपनी अंग्रेजी शब्दावली को सुधारने के लिए चार नए अंग्रेजी शब्द एवं उनके वाक्यों में प्रयोग भी देखेंगे। परंतु चुंबकों के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? इस चित्र को देखिए, यह है एक मैग्लेव रेलगाड़ी अर्थात मैग्लेव ट्रेन का चित्र। इस रेलगाड़ी की यह विशेषता है कि यह बहुत तेज गति पर चल सकती है एवं यह गति 500 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी हो सकती है। परंतु इस तेज गति के कारण क्या है? ये है दो चुंबक, एक ऐसा चुंबक जो इसके नीचे होता है एवं इसे धरती से कुछ दूर ऊपर प्रतिकर्षित करके रख सकता है, एवं दूसरा चुंबक इसे आगे बढ़ने में मदद करता है। इन दो चुंबकों के कारण ही यह इस तेज गति पे चल पाती है एवं इसलिए आप इसका प्रयोग कुछ वर्षों में एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए भी कर पाएंगे। चुंबकों की खूबियां, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेट्स। आपने कंचों के साथ बहुत बार खेला होगा, पर क्या आप कभी कंचों को इस प्रकार सजा के रख पाते हैं? यह इस चित्र में चुंबकीय आकर्षण के कारण ही हो पाया है कि ये सारे कंचे एक साथ इस प्रकार चिपके हुए हैं। आपने ऐसा भी बहुत बार देखा होगा कि चुंबक पर कील इस प्रकार चिपक गई हो। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि चुंबक में लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है एवं यह जो कील है यह लोहे के बने होते हैं। पर इन चुंबकों की खोज किसने की? Who discovered magnets? कहा जाता है कि बहुत पहले यूनान अर्थात ग्रीस में एक चरवाहा था मैग्नस नाम का, जो कि अपनी बकरियों को चराने गया था कि उसकी लाठी एक पत्थर से चिपक गई और इतनी आसानी से निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। दरअसल यह पत्थर चुंबकीय था एवं मैग्नस की लाठी में लोहा था जो कि उस पत्थर की तरफ आकर्षित होकर उसमें जा चिपका। उस पत्थर का नाम मैग्नेटाइट पड़ा एवं इसलिए आज हम चुंबकों को अंग्रेजी में मैग्नेट कहते हैं। स्रोत एवं विशेषताएं, सोर्सेज एंड प्रॉपर्टीज। चुंबक के कई स्रोत होते हैं। चुंबक धरती में प्राकृतिक तौर से भी पाए जाते हैं, उस पत्थर की तरह जिसमें मैग्नस की लाठी चिपक गई थी, जिसे हम आज मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। आप ऐसे दो पत्थरों को इन चित्रों में देख सकते हैं। तकनीकी विकास के कारण आज हम विभिन्न प्रकार के कृत्रिम अर्थात सिंथेटिक रूप से बनाए गए चुंबक भी देख पाते हैं, जो विभिन्न आकारों में पाए जाते हैं, जैसे यह लंबा या यह गोल आकार चुंबक। जैसा मैंने पहले बताया, चुंबकों में लोहे को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इस चित्र में आप एक घोड़े के नाल के चुंबक पर कुछ कीलों को लटकता हुआ देख सकते हैं। वैसे ही यह जो दूसरा चित्र है, इसमें लोहे के कई छोटे छोटे कण एक चुंबक पर इस प्रकार चिपके हुए हैं। पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, चुंबकीय पदार्थ यानी कि मैग्नेटिक मटेरियल्स, या फिर अचुंबकीय पदार्थ यानी कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें चुंबक की ओर आकर्षित होने की क्षमता हो। इसके उदाहरण के लिए आप लोहा, निकल या कोबाल्ट जैसे धातुओं को ले सकते हैं। अचुंबकीय पदार्थ वो होते हैं जिनमें की ऐसी कोई आकर्षण की क्षमता ना हो। इसके उदाहरण के लिए आप प्लास्टिक या कपड़े को ले सकते हैं। तो इन पहले दो चित्रों में आप देखेंगे चुंबकीय पदार्थ, इन बाकी दोनों चित्रों में आप अचुंबकीय पदार्थ यानी प्लास्टिक और कपड़े को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ अनोखे क्रियाकलाप। पहले के लिए आप एक बहुत बड़ा कागज का टुकड़ा लीजिए एवं उस पे लोहे के बहुत सारे छोटे छोटे कण बिछा दीजिए। फिर आप दो चुंबकों को लीजिए, कागज के नीचे रखिए। वे चुंबक सीधे और लंबे होने चाहिए और उन्हें आप आमने सामने रखिए। उसके बाद धीरे धीरे आप उन्हें कागज के नीचे से कागज के पास लाते जाइए। जैसे जैसे आप उन चुंबकों को कागज के पास लाएंगे, आप यह पाएंगे कि ये जो सारे लोहे के छोटे छोटे कण हैं, ये इस प्रकार व्यवस्थित होने लगेंगे। भला ऐसा कारण हो क्या सकता है?
दरअसल ऐसा होता है कि चुंबकों की जो शक्ति होती है वह अलग अलग जगह पर अलग अलग होती है एवं उसी के कारण यह कण इसी आकार में आपको हर बार मिलेंगे। दूसरे क्रियाकलाप के लिए आप किसी बालू वाले जगह पर जाइए एवं अपने चुंबक को बालू के अंदर डालिए। फिर जब आप उस चुंबक को बालू से निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बालू के कुछ कण चुंबक पर चिपक गए हैं। अब भला इसका क्या कारण होगा? दरअसल ऐसा होता है कि बालू के जो कण होते हैं उनमें भी लोहे के अंश पाए जाते हैं एवं ये लोहे के अंश चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए जब आप इस चुंबक को बालू से बाहर निकालेंगे तो वह कुछ कण इस पर चिपक जाते हैं और आपको बाहर लाने पर भी दिखाई पड़ते हैं। अब आप चुंबक से बनाई गई इस सुंदर कला का आनंद लीजिए। इस सुंदर कला को बनाने के लिए कलाकार ने चुंबक लिया है और इस कागज पर बहुत सारे छोटे छोटे लोहे के कणों को फैलाया है, उसी प्रकार जैसा आपने पिछले क्रियाकलाप में देखा था। उसके बाद उसने उन्हें इस तरह सजाया है चुंबक की मदद से, जिससे कि आप यह खेत का सुंदर दृश्य देख पा रहे हैं। इसमें वापस उसने इसी चीज का प्रयोग किया है कि एक चुंबक की जो शक्ति होती है आकर्षित करने की लोहे को, वह अलग अलग स्थान पर अलग अलग होती है। अब हम देखेंगे चुंबकों की उपयोगिता। चुंबक की यह क्षमता होती है कि यदि आप उसे एक रस्सी से बांधकर हवा में छोड़ दें तो वह हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की ओर रहेगा। जो हिस्सा उत्तर की तरफ इशारा करे उसे उत्तर ध्रुव अथवा एन और नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो दक्षिण की ओर रहे उसे हम दक्षिण ध्रुव या एस और साउथ पोल कहते हैं। बहुत पुराने समय से लोग इसका प्रयोग दिशा निर्धारण के लिए करते आए हैं, जैसा कि आप इस चित्र के दिशा सूचक यंत्र को देखकर समझ सकते हैं। दिशा सूचक यंत्र को हम अंग्रेजी में कंपास भी कहते हैं एवं इन चीजों का आप इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के चारों ओर घूम सकते हैं, जैसा कि पुराने समय में कई महान लोगों ने किया भी है। इसकी उपयोगिता को किसी और भी चीज से कम नहीं बताया जा सकता है। आकर्षण और प्रतिकर्षण। यदि आप दो चुंबकों को आमने सामने रखेंगे और एक दूसरे की ओर बढ़ाएंगे तो उनमें या तो आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण। यदि उनके असमान ध्रुव आमने सामने हैं तो उनमें आकर्षण होगा। तो उसके अनुसार इस चित्र में ये जो नीली और लाल गाड़ियां हैं ये एक दूसरे की ओर जाएंगी, नीली वाली दाईं तरफ और लाल वाली बाईं तरफ। इसके विपरीत जब आप समान ध्रुवों को आमने सामने रखेंगे तो उनमें प्रतिकर्षण होगा। तो इसके अनुसार इस चित्र में नीली और लाल गाड़ियां अलग अलग दिशा में जाएंगी, अर्थात एक दूसरे से दूर, तो नीली वाली बाएं जाएगी और लाल वाली दाएं। सारांश, तो आइए हम देखते हैं हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने यह देखा कि चुंबक या तो प्राकृतिक हो सकते हैं या कृत्रिम। इसके बाद हमने यह भी देखा कि चुंबक लोहे एवं अन्य तरह के पदार्थों जैसे निकल या कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इसके बाद हमने यह भी सीखा कि चुंबक किसी अन्य चुंबक को आकर्षित या विकर्षित कर सकता है। यह इस पर निर्भर करता है कि उनके कौन से ध्रुव आमने सामने आ रहे हैं। इसके साथ आज का अध्याय समाप्त होता है। अब हम देखेंगे कुछ अंग्रेजी शब्द, उनके अर्थ एवं वाक्यों में उनका प्रयोग। एस्टॉनिशिंग अर्थात आश्चर्यजनक, इसका एक वाक्य में प्रयोग कुछ इस प्रकार होगा, इट इज एन एस्टॉनिशिंग अचीवमेंट, यह एक आश्चर्यजनक उपलब्धि है। रॉन्डीवू अर्थात मुलाकात, इसका एक वाक्य में प्रयोग होगा, ही केम लेट फॉर द रॉन्डीवू, अर्थात वह मुलाकात के लिए देर से पहुंचा। ब्रूटल अर्थात क्रूर या दर्दनाक, इसका एक वाक्य में प्रयोग होगा, द पुलिसमैन बीट द थीफ ब्रूटली, अर्थात पुलिस वालों ने चोर को बहुत दर्दनाक तरह से मारा। रिन्यूअल अर्थात नवीनीकरण या चीज़ों में नयापन लाना, इसका एक वाक्य में प्रयोग होगा, कंप्लीट योर लाइसेंस रिन्यूअल्स, अर्थात अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करवाइए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।